The present moment is filled with joy and happiness. If you are attentive, you will see it. Hello Learners, how are you all? Hope you are doing great. Welcome back to YouTube channel The Intent Learner. This is the 18th part of our Adams and Phrases series. As you know that we discuss daily 5 Adams and Phrases. So let's see our today's 5 Adams and Phrases. Our first idiom word is नाइन डेज वंडर नाइन डेज वंडर का हिंदी में मतलब होता है जो कुछ समय के जो कुछ समय को हलचल उत्पन्न करे इंग्लिश में कह सकते हैं समथिंग दैट कॉजेज एक्साइटमेंट फॉर अ शॉर्ट टाइम अब इसके लिए सेंटेंस देखिए ब्यूटी ऑफ यूथ इज़ नाइन डेज वंडर मतलब कि युवाओं की सुंदरता कुछ समय के लिए ही होती है सेकेंड देखिए लिप सर्विस लिप सर्विस का मतलब होता है दिखावटी प्रेम इंग्लिश में इसको कह सकते हैं डुप्लीकेट लव सेंटेंस देखिए ही सेज ही विल मॉडर्नाइज ऑल सिस्टम्स बट सो फार ही हैज़ ओनली पेड लिप सर्विस टू द आइडिया यहाँ पे वर्ड आया लिप सर्विस यही हमारा एडम वर्ड था चलिए थर्ड देखते हैं हमारा थर्ड एडम वर्ड है फ्रेंच लीव फ्रेंच लीव का मतलब होता है आ डी डिपार्चर विदाउट सरमनी परमिशन और नोटिस मतलब बिना बताए चले आना इसको कहते हैं फ्रेंच लीव सेंटेंस देखिए द केयर टेकर है टेक फ्रेंच लीव मतलब कि दे, जो देखभाल करने वाले को केयर टेकर कहते हैं तो केयर टेकर ने बिना किसी परमिशन बिना किसी नोटिस के ही छुट्टी ले ली थी थर्ड फोर्थ देखिए टू सेट ऑन द फेंस टू सेट ऑन द फैंस का मतलब होता है विवाद में किसी भी पक्ष का की तरफ बात ना करना है इसको टू अवर्ड सेनी वन सेंटेंस देखिए इफ यू आर सेटिंग ऑन अ फेंस इट्स द परफेक्ट पर्स टू वॉच लाइफ पास बाई यू फिफ्थ देखते हैं अ क्लोज फिस्टेड मैन क्लोज फिस्टेड मैन का मतलब होता है कंजूसी इसको सेंटेंस में देखिए राम इज अ क्लोजेड पर्सन एज ही नेव पार्टिसिपेट्स इन एनी ओकेजन्स तो इस तरह से आप अपने एडम्स एंड फ्रेजेस को सेंटेंस में यूज कर सकते हैं आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भोले आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेन की फॉचिंग एंड कीप लर्निंग थैंक यू